श्री रामचंद्र फाउंडेशन के बैनर तले हस्तकलाओं से बनी हुई वस्तु को बढ़ावा देना इन उद्देश्यों को लेकर डॉक्टर मानसी गुलाटी ने 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा, जिसके चलते महिलाओं द्वारा राखी बनाना, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, बुटीक व कचरे में पड़ा हुआ सामान को कैसे सुंदर उपयोग में लाया जा सकता है यह भी बताया गया। साथ ही प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार का वितरण भी किए। लुप्त हो रही हस्तकला को जनता के बीच उजागर कर महिलाओं को आत्मस्वावलंबन बनाने की दिशा में इस तरह का आयोजन श्री रामचंद्र फाउंडेशन के द्वारा लगातार प्रतिवर्ष किया जा रहा है। स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लेने अतिथिगण उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों ने ऑर्डर भी दिए, साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्राम भी संपन्न हुआ। मैं ये बोल सकूं कि अच्छा नहीं बना, सबने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा बनाया, टेस्टी तो है ही, साथ में सजाया भी बहुत सुंदर है, तो बहुत ही लजीज है। जो मैडम ने किया है, गुलाटी मैडम ने, वो एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य बोलना चाहिए कि महिलाओं को ऐसे आगे आने का बहुत अच्छा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का बहुत अच्छा प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मेरे को इसका पार्ट बना, एक सक्सेसफुल और आज इनका आगे काम हुआ है। सबके अंदर में कुछ ना तो कुछ टैलेंट होता ही है, बट उस टैलेंट को बाहर निकालने का जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है सबके अंदर, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर एज के लिए कुछ ना तो कुछ ऐसा करती है जो अपने अपने टैलेंट को बाहर लेके आते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसका इन्होंने मुझे आज एक पार्ट बनाया, इसके लिए भी थैंक यू। सारे व्यंजन बहुत ही टेस्टी है, सबने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है, अपना जो भी डेकोरेशन प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है सबका, उनको लेकर महिलाओं के छुपे हुए टैलेंट को जो किचन से निकाल करके यहाँ प्रस्तुत करें, ऐसी कुछ अपनी पुरानी छत्तीसगढ़ी चीज़ें और बहुत सारे व्यंजन महिलाओं ने भेजी है जो कि थीम पे थे। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, कि जब लोग जज करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप बहुत अच्छा बना रही हैं और ऐसा टेस्ट नहीं है बाहर बाजार में, तो वो प्रेरित होती हैं और बिल्कुल टिफिन की सुविधाएं और बहुत सारे ऐसे व्यंजनों के ऑर्डर्स उन्हें मिल सके और उनको स्वरोजगार का मौका मिल सके। सभी एक से बढ़कर एक है, एक भी व्यंजन कुछ ऊपर नीचे नहीं है, और सभी महिलाओं ने इतना बेहतरीन उदाहरण पेश किया है कि सब बहुत देखने लायक है और बहुत इज्जतदार है खाने में। सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब को मौका दें और इनको स्वरोजगार का एक मौका मिले और सब बहुत बिजनेस वुमेन बन सकें। बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट महिलाओं की वो छवि जो आज तक थी वो बिल्कुल ना रहे, फिर से सभी महिलाएं बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और कभी बेसहारा होने की